पंजाब से यूपी लाते समय मऊ विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार को रास्ते में गाड़ी पलट जाने का डर सताने लगा है। उनकी पत्नी अफशा ने बुधवार को राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनके पति को पंजाब से यूपी लाते समय सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को मुख्तार को 2 हफ्ते के भीतर यूपी की जेल में भेजने का आदेश दिया था। इसके मद्देनजर माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी ने राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में लिखा है कि उनके पति मुख्तार अंसारी इस समय पंजाब की रोपड़ जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 26 मार्च को अपने आदेश में 2 सप्ताह के भीतर यूपी भेजने का आदेश दिया है। उनके पति एक मामले में चश्मदीद गवाह हैं, जिसमें भाजपा के विधान परिषद सदस्य माफिया ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह अभियुक्त हैं। ये दोनों अभियुक्त सरकारी तंत्र की कथित मिलीभगत से अंसारी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लिहाजा इस बात का खतरा महसूस हो रहा है कि पंजाब की जेल से यूपी लाए जाते वक्त रास्ते में फर्जी मुठभेड़ की आड़ में उनके पति मुख्तार अंसारी की हत्या न कर दी जाए। बता दें, मुख्तार पर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या, कोटा, गैंगस्टर समेत 45 मामले यूपी की अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं। जनवरी 2004 को यूपी एसटीएफ की वाराणसी यूनिट के प्रभारी डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी के एलएमजी खरीदने का न सिर्फ खुलासा किया था बल्कि एलएमजी बरामद कर मुख्तार पर पोटा ठोंक दिया था, जिसके चलते उस समय की तत्कालीन सरकार ने डीएसपी शैलेंद्र सिंह पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया था, जिसकी भरपाई शैलेंद्र सिंह ने नौकरी गंवा कर और जेल काट कर की थी। फिलहाल पोटा लगाने वाले पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह पर दर्ज मुकदमा वापस ले लिया गया है।